हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास शर्मा एजुकेशन। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का PGDET कोर्स है उसमें MES 135 में प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें से प्रोजेक्ट भी है एक। आपको OER चूज करना है, OER मतलब ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, और उसमें आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को लगाना है। तो इसमें काफ़ी लोगों को उलझन होती है कि कैसे हम क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज करने के बारे में। OER क्या है या और भी कई टर्म इसमें जानने जरूरी हैं, उनके लिए सेपरेट वीडियो है। एक ही वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा गया है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को कैसे यूज करें, तो क्रिएटिव कॉमन मतलब आपका मटेरियल है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स आप बना रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडियम हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, या आपको चूज करना है टीचिंग प्लान है आपका, वो आप चाहते हैं कि कोई इसे रीयूज कर सके, मिक्स कर सके, मॉडिफाई कर सके, अडेप्ट कर सके, क्योंकि आपको आगे बिलीव है एजुकेशन को कॉपीराइट ना होके कॉपी लेफ्ट में ले जाना है। कोई भी उसे आप भी उन्हें यूज करते हैं, जैसे NROER NCERT के अधिकतर मटेरियल होते हैं, कई रिपोजिटरी हैं जिनकी आप मॉडिफाई रिसोर्स कर सकते हैं। उन उसमें क्रिएटिव कॉमन में 6 लाइसेंस होते हैं। किस लाइसेंस क्या मतलब होता है, अगेन इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, पर थोड़ी थोड़ी बात आज भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम इस लाइसेंस को ले सकते हैं। जो फर्स्ट लिंक आएगा वो होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन है, पर हम जाएंगे शेयर और योर वर्क में। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं लाइसेंस के लिए, कहीं लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट लॉगिन, विदाउट रजिस्टर, विदाउट अप्लाई लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स का ले सकते हैं। सिंपली जैसे शेयर और वर्क पर करेंगे ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ आप इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने किया चूज योर लाइसेंस। सिंपली अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का पेज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है अलाउ अडेप्शन ऑफ योर वर्क टू बी शेयर्ड। तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यस एज लॉन्ग एज अदर शेयर अलाइक, मतलब जो लाइसेंस आप लगा लेंगे वही लाइसेंस दूसरों को भी लगाना होगा जब कोई आपका मटेरियल कंटेंट यूज कर रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे दूसरा ऑप्शन है अलाउ कमर्शियल यूज फॉर ऑफ योर वर्क, यस और नो। जैसे ही आप इन बटनों को चेंज कर रहे हैं आप देख रहे होंगे इसके राइट हैंड साइड पर लाइसेंस भी यूज हो रहा है, जो क्रिएटिव कॉमन के 6 टाइप के लाइसेंस हैं। तो आपको नहीं पता कौन सा चूज करना है, आप केवल ये आंसर दे दीजिए, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लाइसेंस बन जाएगा। जैसे अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वो CC और एट्रीब्यूटेड, यानी आपको बताना पड़ेगा कि किसका कंटेंट बनाया है, क्रेडिट देना पड़ेगा, वो इस तरह दिखाई देगा CC। और इसमें आप 2 तरह का, एक नॉर्मल और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में केवल लिखा हुआ आएगा और नॉर्मल में आइकन थोड़े लार्ज हो जाते हैं CC। और आप एक जो ये आदमी से बना देख रहे हैं, मतलब आपको जिसने ये बनाया है उसको आप क्रेडिट देना होगा। सिंपली जैसे ही आपने ऊपर दोनों के आंसर दिए, आपको जनरेट हो चुका है लिंक। इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और इस लिंक को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। इस लिंक को आप अपने रिसर्च जर्नल के मेन कंटेंट में नहीं लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और ये डिस्क्लेमर देंगे दिस इज ए क्रिएटिव कॉमन कंटेंट। आप अपने जो, अगर इसके 3 वे निकल के आएंगे, अगर ऑफलाइन है तो आप मेंशन कीजिए डिस्क्रिप्शन के और ये लिंक वहाँ पे लिख दीजिए। दूसरा, अगर ऑनलाइन कंटेंट है तो ऑनलाइन कंटेंट भी 2 तरह का है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे या आप किसी पब्लिश कर रहे हैं जब, तो इस लाइसेंस को आप वहाँ पे ये जो कोड है सिंपली कॉपी कर देंगे। तीसरा, कुछ साइट ऐसी होती है जैसे यूट्यूब है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड कराती हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को करने के लिए, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है तो कुछ लोग मिस कर गए होंगे। तो आपको सिंपल करना है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के लिए साइट पे जाना है, इन दो उसमें शेयर योर वर्क करना है, वहाँ पे चूज योर लाइसेंस पे जाना है। उसके बाद 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। उन 2 क्वेश्चनों का आंसर देने के बाद जो आपको ये लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्रिएट हो चुका है जो आपको दिख रहा होगा, उसको आपको यूज करना है। जनरल सिंपली जब भी आप कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं अपलोड पब्लिश करने के लिए, उसमें लाइसेंस लगा दीजिए। आप देखेंगे जो फर्स्ट लाइसेंस है वो सबसे लेस रेस्ट्रिक्टिव है, जैसे सब नीचे जा रहे वो सब ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। और ये अगर पब्लिक डोमेन है, पब्लिक डोमेन में का मतलब है बिल्कुल कोई लाइसेंस फ्री है ना, ऑल राइट्स, कोई राइट्स ही नहीं है। जैसे कॉपीराइट्स में ऑल राइट रिजर्व्ड होते हैं और नो राइट रिजर्व होता है। ध्यान ही रखेंगे एक बार क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस बन गया तो ये बाद में रिवर्सिबल नहीं है, मतलब आप इसको हटा नहीं सकते हैं, बन गया तो बन गया, इस बात ध्यान रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, ये मटेरियल आपका ओरिजिनल होना चाहिए,
एफएक्यू में आप जाके देखेंगे तो जो क्वेश्चन जिसके लिए वीडियो बनाई है, अगर हम इन्हीं का आंसर लें क्रिएटिव कॉमन पे दे रखा है तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को देख ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने एफएक्यू में डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को कैसे अप्लाई किया, तो यहाँ पर मुझे क्रिएटिव कॉमन साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यूट्यूब अपने आप ही प्रोवाइड करता है। तो मैं अपने चैनल पर जाऊँगा, माई चैनल पर, उस पर माई चैनल पर जाने के बाद मेरे पास मेरी वीडियो सेलेक्ट करूंगा मैं अपनी मैनेज वीडियोज, मैनेज वीडियो में मेरी वीडियो को एडिट करने के मेरे पास जगह आ जाएगी। जब मैं मैनेज वीडियो पर गया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पेज आ चुका है, अब जिस वीडियो को मैं एडिट करना चाहता हूँ उस वीडियो को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक वीडियो जो लास्ट वीडियो बनाई थी स्पाईवेयर, मालवेयर, रैंसमवेयर के बारे में, उस पर अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये उस सिंपल यहाँ पर पहला जो टिक है ये एडिट का टिक है, एडिट पर जाएंगे हम और यहाँ पे जब डाउन जाएंगे तो लिखा है सो मोर, अभी तक वो नहीं आया है तो मैं सो मोर पे क्लिक करूँगा। जब मैं सो मोर करूँगा तो मेरे पास और ऑप्शन खुल जाएंगे, उन मल्टीपल ऑप्शंस में यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्लिक करूँगा ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में था, अभी अगर मैं क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो क्रिएटिव कॉमन बन जाएगा, सिंपली मुझे किसी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देखा कैसे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस सीसी लाइसेंस हमने अपने ओईआर पर लगा लिया, एक बड़ा टास्क हो गया, एक बड़ी उलझन, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाया होऊंगा कि कैसे एक किसी लाइसेंस को हम लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है टिप्स फ्रेमवर्क में इसको इवेलुएट करना होता है, जो भी आपने ओईआर क्रिएट किया है उसका अगला टिप्स फ्रेमवर्क बहुत ही सिंपल है, उसमें एक टेबल दे रखी है, उनमें इंडिकेटर दे रखे हैं, उन इंडिकेटर में देखना है कि ओईआर कहाँ बैठता है। जैसे पहला है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, तो आप देखेंगे कि जैसे मेरी अप्रोच तो उसमें लर्नर सेंटर अप्रोच है कि आप मैं सिंपल अब इस तरह की भाषा में लैंग्वेज में आपके सामने अपनी बात को रखूं कि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ और फॉलो कर पाएँ और इजीली क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को ले पाएँ, उन यूज कर पाएँ जैसे आप यूज करना चाहते हैं। तो पहला पर्पज है तो लर्नर सेंटर अप्रोच ऑडियंस से है, तो इसके अंदर असेसमेंट क्या, जैसे मैं शुरुआत से ही मैंने अपनी बात रखी थी कि कुछ ये वीडियो अपने आप में सेल्फ कंटेंट है केवल क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के लिए, कुछ अनदर टर्म है जैसे ओईआर बार बार यूज हो रहा है या क्रिएटिव लाइसेंस के बारे में और जानना चाहते हो तो अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, राइट। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप लोग क्या यूज कर पाए या नहीं कर पाए है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा। तो इसमें एक लिमिट है, अगर हम फेस टू फेस करते तो मैं आपकी सिंक्रोनसली प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा। पर हम इसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको मेरी बात आई कि जो आपको स्टेप स्टेप में जिस तरह कर रहा था वो थे और क्या किया जा सकता है, इस तरह कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरा आप मटेरियल ऑथेंटिक, क्या मैंने मटेरियल इग्नू का जो कोड उसका यूज किया, क्रिएटिव कॉमन क्रिएटिव कॉमन है यूज किए, इससे बढ़ती है जो मेरे लिंक्स हैं, मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ज्ञान से जो LPT 133 और मैं को यूज प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, तो मेरे ये जो मैं ये कॉमन तो यूट्यूब पे क्रिएटिव कॉमन कर दिया है तो ये क्लियर है। दूसरा प्रेजेंटेशन आप देखे होंगे कि केवल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अपना पूरा प्रोसेस कि आप देख सकें। टेक्नोलॉजी पोर्टल यूट्यूब पे है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर मैंने वीडियो को रख दिया है, लिंक आप किसके साथ शेयर भी कर सकते हैं और इसका कैसे भी पर्पज से यूज किया जा सकता है। तो टिप्स का कैसे भी पर्पज से यूज किया जा सकता है, तो टिप्स फ्रेमवर्क में इस क्राइटेरिया में मेरे अपनी वीडियो इवोल्यूशन करके दिखाया, तो आपने देखा कि कैसे हम ओईआर कोई भी आप चूज कर लीजिए उस ओईआर पे किससे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस लेंगे और टिप्स फ्रेमवर्क में कैसे उसका इवोल्यूएट करेंगे। इस जो भी हमने बात की इसको एक डॉक्यूमेंट कर दीजिए, एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और उस रिपोर्ट को अगर आप देखना चाहते हैं जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए या मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट किसी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के इशू पर चर्चा कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो तब तक के लिए आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप के कम्युनिटी में मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज विकास समाज एजुकेशन पर हम लोग बात कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।